नमस्ते, वेलकम टू कुक विथ मालती। आज हम बनाएंगे राजमा का करी। मेरा राजमा 300 ग्राम लिए हैं। इसको पानी में रात भर भिगा दिया थे, मिनिमम कम से कम 12 घंटा भिगाया था। अभी भीग चुका है, ऐसे कर रही हूँ तो दो फाड़ हो रहा है। अभी मैं इसको बॉयल करूँगी राजमा, उससे इतना पानी रख के बॉयल कर देंगे। कम से कम 6 हुईसी लगेगा, 6 हुईसी के बाद राजमा बॉइल हो जाएगा। इसमें नमक थोड़ा टेस्ट के लिए, हल्दी डाल के बॉइल करूँगी। अभी मेरा राजमा बॉइल हो चुका है, कितना अच्छा बॉइल हो गया है। अभी हम करी बनाएंगे। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं 2 स्पून ऑयल डाल दूँगी। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं 2 प्याज कट के इसमें फ्राई कर दूँगी। इसको अच्छा से ऑयल से मिला दूँगी। मसाला टेस्ट के लिए थोड़ा नमक डाल दूँगी। अभी मेरा प्याज कवर आ चुका है, मैं थोड़ा गरम मसाला छेक के डाल दे रही हूँ। उसको थोड़ा मिला दूँगी। अभी मैं 1 स्पून मसाला उसमें डाल देती हूँ, अदरक गार्लिक का पेस्ट। इसको फ्राई कर लूँ, पेस्ट के लिए थोड़ा हल्दी भी डाल देती हूँ। इसको अच्छा से मिला लूँ। इसको अच्छी ढक के स्लो में गैस को चालू करूँगी। थोड़ा फ्राई हो गया, मैं 2 टमाटर को इसे छोटा छोटा काट के इसमें डाल दी। डाल के अच्छा से मिला दी। मिलाने के बाद 2-3 मिनट के लिए ढक दी। अभी मेरा मसाला थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है। बार बार चक्कू लगा के फ्राई करना है, नहीं तो लाग जाएगा। और इसी के लिए मैं बहुत कम ऑयल दिए हैं। इसके लिए थोड़ा पानी दे के बॉइल कर देंगे तो मसाला कच्चा नहीं रहेगा। 2-3 स्पून में पानी दे के इसको बॉइल कर देंगे। अभी मेरा मसाला रेडी हो चुका है। मैं धनिया पत्ता को काट के, गोभी काट के डाल दूँगी। थोड़ा 2 मिनट फ्राई कर दूँगी धनिया पत्ता को। ऐसे 2 मिनट फ्राई होने के बाद मेरा राजमा को डाल दूँगी। अभी गैस को तेज कर दूँगी। अभी मेरा राजमा को इसमें डाल दूंगी। अभी ऐसे 10 मिनट के बाद मेरा करी हो जाएगा। ये मेरा राजमा का करी कितना अच्छा हुआ है, कितना टेस्टी हुआ है, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। ज़रूर मेरा रेसिपी के घर में ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।